शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है और ये कोर्ट ने फैसला दिया है कि लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है और इसको लेकर ये फैसला आने के बाद अब प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गए हैं नेताओं के। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीधे तौर पर कहा कि ये फैसला शर्मसार करने वाली फैसला है, ये कहीं से उचित नहीं है। पहले ही तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि विपक्ष को एकजुट होना होगा और विपक्ष को एकजुट करने के लिए रणनीति बनानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं कभी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहना है मनोज झा का। और सीधे तौर पर मनोज झा ने कहा कि 75 साल के बाद आज़ादी के पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है राहुल गांधी पर इस तरह के जो निर्णय लिए गए हैं कोर्ट के द्वारा, ये कहीं से उचित नहीं है, कहीं ना कहीं काला धब्बा हुआ है, काला धब्बा का दिन है। ये सब बातें जो है मनोज झा सीधे तौर पर हमला करते हुए किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं वो हम आपको पहले सुनाते हैं। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए, कल ही तेजस्वी जी ने डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी, आपके मनसा वाचा करना में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा नागरिक समाज के साथ मिलकर के, लोगों के साथ मिलकर के, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा, अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का कि लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपने सुना किस तरीके से मनोज झा ने कहा कि ये शर्मसार है और इस तरह का काला धब्बा संसदीय क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है, जो है राहुल गांधी के ऊपर इस तरह के जो ठोस निर्णय लिए गए हैं कहीं से उचित नहीं है, उनके सदस्यता रद्द कर दी गई है संसदीय, और ये फैसला केंद्रीय सचिवालय से लिया गया है। और उसके बाद जो है आपको बता दें कि 6 सालों तक राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ सकते, इसके बाद से सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और अब जो है नेताओं के प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सीधे तौर पर कठोर जो है जवाब दिया है और किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला किया है राहुल गांधी को लेकर, अब बिहार की भी सियासत इसको लेकर गर्म हो चुकी है, विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मामले को लेकर हंगामा शुरू हो गया है और वहां पर भी जो बिहार में सत्ता पक्ष के लोग हैं वो केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।